ये तो श्वेता है, ये रोहित भाई, अरे राज टाइगर। दिल से बोला कि सर मुझे नहीं पता मैं यही गाना करूंगी, आप मेरे सारे गाने कैंसिल कर दो लेकिन मुझे करना है। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय। तो मैं जा रही हूँ कमल के पास, आज वो करेगा मेकअप। तो आज एक काफ़ी टाइम से बोल रहा था कि दीदी एक ब्राइडल लुक वाला शूट करना है, तो मैंने कहा चलो ठीक है। और आज संजू सिलोडी जी की शादी है तो उसके बाद हम लोग वहीं जाने वाले हैं, तो हमने सोचा कि चलो शूट भी हो जाएगा। अरे वाह, इतना सोच लिया आपने। मैं बहुत सोचती हूँ। क्या बात है जी, और दिल्ली की गर्मी बहुत ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और आप कहाँ जा रहे हो वैसे? मैं घर जाऊंगा बस, आपको पिक करने आया था, एक बार वहाँ जाना है महावीर इनके। अच्छा, तो इनको कुछ घर में इनका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो उसी की तैयारी हो रही है घर बनाने की। कमल आज हम कितने महीनों बाद मिल रहे हैं? बहुत सारे महीने, साल बाद मिल रहे हैं ना। क्या बात, चलो ना दीदी मेकअप कराने। कहाँ जाना? फिल्टर लगा लिया है ना। फिल्टर बहुत अच्छी क्वालिटी। अच्छा, इसलिए तो बुला रहा था मेरे को। कितना प्यारा लग रहा है। वाओ कमल, तो मेहनत ही तो बहुत है। मैं ना एंट्री पे ये करने की सोच रहा था, बट मैं शॉपिंग में सामान लेने गया हुआ था। हाँ, स्वीट यार, ये सब ना आज तक ना मेरे लिए किसी ने नहीं करा, हमेशा कमल ही करता आया है। चाहे मेरे बर्थडे का सरप्राइज हो या ऐसा कुछ, मतलब वेद ने भी किया है लेकिन ऐसे वाले सरप्राइजिंग वाले नहीं करे। कमल मुझे सरप्राइज देने वाला था लेकिन उसके सरप्राइज का मैंने बैंड बजा दिया क्योंकि मैं से पहले ही पहुंच गई। और मैं पहले ही पहुंच गई, लेकिन इट्स ओके, इट्स फाइन। बट तूने ये भी किया, ये भी सरप्राइजिंग ही हो गया मेरे लिए। मतलब इतनी देर से बाहर बैठा हुआ मैं कह रही हूँ चल कमल स्टार्ट कर ले, मेकअप कर ले, कुछ बोल भी नहीं रहा है, करे जा रहा है। तो यहाँ पे ऐसे लाइट सेटअप वगैरह कर दिया है, तो अभी ये चीज़ से इग्नोर करना, थोड़ी सलोन की हालत खस्ता हो रही है बट ध्यान हम पे दो बस, है ना राव? है ना कमल? हाँ। कमल बस मोटा नहीं होता, वैसे ही रहता है पतला। ठीक है, मैं भी तैयार हूँ बाद में। ज्वेलरी एंड लहंगा ड्रेस बाय माय फेवरेट उषा डिजाइनर, थैंक यू कविता भाभी। ब्लशेस है ना, हैवी हो जाएगी शूट के लिए ना, सिर्फ शूट तक के लिए ही। ठीक है, ये ज्यादा हैवी हो जाएगी लैशेस जाने के लिए, पर शूट के लिए परफेक्ट है। तो जैसे कि कमल कपूर जी ने बताया कि बहुत ही महंगी लैशेस है, कितने की है? पूरे 2000। गाइस इसको इग्नोर करना क्योंकि ये सोचो टूट गया था। तो जिसमें से एक चूड़ा जो है वो मुझे कमल गिफ्ट करेगा पक्का। कमल बोलना, एक चूड़ा मेरी तरफ से, और क्या गिफ्ट करेगा? मेरी तरफ से और क्या गिफ्ट करेगा? और कैश भी मिलेगा। अच्छा, तो कन्यादान करेंगे आप? मैं इन्हें 20,000 दूंगा, तब तक मुझे 50,000 दे। अच्छा, ये डील थी। मुझे मत दिखाओ यार, ये इधर मेकअप जान बोल के गया कि मुझे मत दिखाओ। नहीं सच में मत दिखाओ, कौन मेरा मेकअप कर रहा था तू? अगर मेकअप आर्टिस्ट खुद खूबसूरत नहीं हो सकता, वो किसी और को कैसे बना सकता है? सब बेटा, तो ये है मेरा फाइनल लुक। थैंक यू कमल। जो ऐसा लग रहा है मैं अपनी शादी का शूट कराने है, मतलब मेकअप कराने है, डरो मत, शादी नहीं है। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। तो ये मेरा सेकंड लुक जिस जहाँ मैं जा रही हूँ अभी वेडिंग के लिए। तो थैंक यू सो मच कमल ये बुके देने के लिए, थैंक यू सो मच मेकअप करने के लिए, एक दिन से दो निशाने हो। तो मैं हो गई हूँ रेडी, और हमारे जो वेद जी हैं वो भी हो गए हैं रेडी, और वेद जी ने अगेन मेरी कॉपी करी है क्योंकि मैंने फ्लैग पहना है तो इन्होंने भी पहन लिया है ना। एक सेकंड, माय डाइवर्ट मत करो, बस निकल रहे साइड से यार, मैंने कुछ बोला ही नहीं है। हना, तो हना का मतलब मुझे बोलना तो पड़ेगा ना? मैंने कोई कॉपी नहीं किया है, ब्लैक कलर होता है पार्टी कलर, कभी भी कहीं पार्टी वार्टी में जाता तो ब्लैक होता है, तो दैट्स व्हाई आई एम योर ब्लैक एंड इन्होंने मुझे कॉपी किया। एंड द एंड, मुझे बोलो मधु, मुझे बोलो निर्मला, मुझे बोलो देवली, कुछ भी बोलो। कैसी लग रही हूँ मैं आज? मैंने कुछ ना डिफरेंट ट्राई करा है, मतलब ऐसे यूजुअली मैं कहीं जाती नहीं हूँ, ये
सब गहने मैंने पहन के क्या मैं 6 साल से सुन रहा हूँ मैंने कुछ डिफरेंट किया आज मैं डिफरेंट लग रही हूँ आज मैं डिफरेंट लग रही हूँ क्या डिफरेंट सेम तो है सारे लोग तो मरना तेरे को डर नहीं लगता संजू जी द्वारे पे पहुंच चुके हैं द्वारे भी नहीं द्वार पे है ना पर हम लोग सीरियसली बहुत खुश हैं है ना आई एम सो हैप्पी यार आई एम आल्सो सो हैप्पी और मेरी मम्मी बहुत खुश थी देखिए बहुत ज्यादा वीडियो में हम नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि हम एंजॉय करना है और एंजॉय करेंगे वहाँ पे और थोड़ा बहुत लगेगा उनकी जो एंट्री वेंट्री है उनकी जयमाला हम वो दिखा सकते हैं हाय मैम बिग फैन मैम आपको कहीं देखा है मैंने मैम मैंने आपको पैसा भी तुम्हें देखा अच्छा ओके थैंक यू बहुत खुश रखना पड़ता है बहुत नाचे मैं आपके गाने में कल से याना थोड़ा पंगा है रेसिडेंशियल एरिया है ना 10 के बाद अलाउ नहीं है भाभी जिंदा हाउस ऐसे जब आर्टिस्ट थका हो ना प्रोड्यूसर को बीच में ले आओ देखो यहाँ से कितनी प्यारी आ रही है देखो आप ये बोल रहे हो सबके सामने प्यारी है बहुत प्यारी है संजू इज लकी संजू नहीं शी इज आल्सो लकी निर्मला हमारी तो हमेशा लगती है नहीं निर्मला तो अच्छी लगती है अच्छा लगता है ये देखो बात कही हो रही तो हमारी तरफ कैमरा हमें कैसे पता चला मतलब कैमरे में देख रहा वही अच्छी लग रही है तो अब आप बोल दो जोड़ी अच्छी लग रही है जोड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है दोनों की संजू और भैया बैकग्राउंड छोड़ दीजिएगा आप लोग थोड़ा थोड़ा इधर आ जाइए तो गाइस हम लोग आ चुके हैं अंदर और अभी आपको मिलवाते हैं देखो कौन 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 आया हुआ है ये तो श्वेता है ये रोहित भाई अरे राज टाइगर जहाँ पे गाड़ी लगी ना वहाँ पे राज टाइगर ये मुझे भेज देना जो खींच रहा है नहीं आप आते नहीं कैमरे में बताओ वाली बात आप आते नहीं राज का इल्जाम है मैम के ऊपर कि मैम ने अकेले पार्टी करी ये लड़ाई है मैम और मेरी अरे इन सबको ना फिर मैं प्ले बॉल ले गई थी देखा मैंने स्टोरी आपकी मेरी स्टोरी नहीं सबको पता चला है कि आप सोलो ट्रिप पे हो सबको कैसे पता लगा ये ऐसे कैसे इंसान जाती है बात तो सही है चारों शेयर करना चाह रहा हूँ ये सच्चाई है हमारी जो उत्तराखंड इंडस्ट्री है वो ऐसे सिंगर प्रधान है यहाँ तक आपने देखो मतलब जब से हम छोटे बच्चे थे नेगी जी से लेकर बसवान जी से लेकर किशन महिपाल जी मतलब जितने भी हमारे सिंगर हैं सिंगर मैं खुद एक सिंगर हूँ तो मतलब एक सिंगर बना होता है ना एक सिंगर जैसे कि बॉलीवुड है एक्टर प्रधान बॉलीवुड में सलमान खान हुआ उस दिन देखा अरिजीत सिंह चाहे कितना बड़ा नाम है लेकिन है ना बॉलीवुड में क्या होता है एक्टर प्रधान है लेकिन यहाँ पर ये सिंगर प्रधान इंडस्ट्री में मैम ने एक अच्छा काम करा और एज अ एक्ट्रेस जो देखे तो देखो आपने देखा होगा किसी शो वगैरह आपने देखा कि हमें बहुत कम करते हैं मतलब कहना क्या चाहते हो बात है सिंगर्स का भी चल रहा है हमेशा चलता रहे लेकिन सिंगरों का घाटा हुआ थोड़ा बहुत ठीक है हमारी रोटी कम चल रही है आजकल
नहीं नहीं मजाक वाली बात, सबकी रोटी मैंने खाई है। मैं ऐसी बात नहीं, हमें खुशी मिलती है, मतलब होता ना जब इक्वल हो जाता ना अच्छा लगता है यार। नहीं होता है। A few moments later. लेकिन मैं सच्चाई मुझे मैं जब से मैंने आपके साथ काम करे, मैं दो तीन गाने करे आपके साथ, लेकिन तब से मैंने देखा एक लेवल बड़ा है एक्टर एक्ट्रेसों का। और आज हम एक बड़े एक्टर की शादी में आए हैं, हमारे संजू सिल्लोड़ी बेची चढ़ी की घोड़ी। इतने दिनों से क्यों नहीं बोला आपने मुझे फोन पे? मैम ये मिलके बात सामने कुछ बातें बताई नहीं जाती है। हां फोन पे वारंटी होती है, सामने पे बता कि सिंगर्स एक्सेप्ट कर रहे हैं। मैं तो सिंगर बोल रहा हूं कि हमारा जो उत्तराखंड इंडस्ट्री है वो सिंगर प्रधान है। ये उत्तराखंड क्या, पंजाब ले लो आप, हरियाणा ले लो आप, भोजपुरी में आपने काम किया, भोजपुरी भी सिंगर प्रधान है। लेकिन अगर आप सिंगर प्रधान इंडस्ट्री में एज अ एक्टर एज अ एक्ट्रेस मतलब करो एक हाईलाइट ये है तो वो बहुत बड़ी बात होगी। अच्छा ठीक है, सिर्फ साउथ एंड बॉलीवुड ऐसा है जहाँ पे एक्टर साउथ एंड बॉलीवुड को छोड़ के आपने देखा होगा कि हमेशा हॉलीवुड भी है, हॉलीवुड में भी एक्टर प्रधान है, हॉलीवुड में सिंगर सुंगर उतना नहीं माना जाता, बट हमें इंडिया की बात करें तो साउथ और यही है बॉलीवुड जो एक्टर प्रधान है। क्या नाम है आपका? बताओ। माय नेम इज पूरी। पूरी